आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं विवाद बात। मेरे साथ आज हैं आरटीआई एक्टिविस्ट अजय शंकर दुबे। अजय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अजय के बारे में बताना चाहूंगा कि इनका जुड़ाव अब के छत्तीसगढ़ और उस समय के मध्य प्रदेश की सरगुजा से है। भोपाल के ही रहने वाले हैं, भोपाल में पढ़ाई की, भोपाल में शिक्षा दीक्षा की और यहीं उनको जूझने का इच्छा हुई लोगों से और शुरुआती दौर में राजस्थान को छोड़ के आरटीआई की तरफ एक्टिव हुए और आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए। कभी सोचा था कि आरटीआई में काम करेंगे और बहुत गंभीर रूप से काम करेंगे? आरटीआई के बारे में तो परिस्थितियाँ लेके आ गई, ऐसा सोचा तो नहीं था, लेकिन वन और पर्यावरण के बारे में शुरू से रुचि थी, क्योंकि हम लोग का जो इलाका सरगुजा कोरिया है वो वहाँ बहुत ही घने वन और वहाँ के वन्य प्राणियों से जो लगाव था वो शुरू से था। तो वन खास करके टाइगर प्रिय विषय रहा। जी जी, वहाँ वो इलाका आपको बताते हुए खुशी होती है कि जो कोरिया ज़िला था वहाँ एक समय सर्वाधिक बाघ और भारत का आखिरी चीता भी वहीं देखा गया था। तो भारी स्तर पर वहाँ पे वनों की हरियाली और वन्य प्राणियों की उपलब्धता, उससे लगाव था। तो उसने तो अपनी दिशा दिखाई कि वन संरक्षण की तरफ आए। आरटीआई तो बाद में जो पारदर्शिता की ज़रूरत लगी लोकतंत्र में, तो इससे भी जुड़ाव हो गया। लेकिन जो ख्याति बनी वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते। हाँ बेशक, आरटीआई एक शैशव काल में जब उसका ड्राफ्ट बन रहा था तो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन से जुड़ने का मौका मिला, और आरटीआई 2005 में जब लागू हुआ तो एक नए जोश और उमंग के साथ व्यवस्था में परिवर्तन के लिए औजार मिला। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस ऐतिहासिक पल का साक्षी और उसका उपयोग करने वाला बना जब आरटीआई देश में एक बदलाव के लिए आह्वान कर रहा था। आरटीआई के बाद ट्रांसपेरेंसी को लेके जितने तमाम दुनिया में काम हुए, आप संस्थाओं से जुड़े उनके लिए काम भी किया साथ साथ आपने, तो लगता है कि कहीं पिछले 5-10 सालों में ऐसी स्थितियां बनी कि भ्रष्टाचार कम हो रहा है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिमांड है, क्योंकि आज जो विश्व है वो निवेश करता है एक दूसरे के राष्ट्रों में। भारत में 91 से ये ज़रूरत थी कि यदि आप निवेश करवाना चाहते हैं विदेशी, तो उसके धनों की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब सरकारी कार्यालयों में प्रकाश उजाला होगा और पारदर्शिता होगी। तो हम लोगों ने इस कोशिश करी कि पारदर्शिता स्थापित हो, और मैं खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मेंबर भी हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और आंदोलन है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आरटीआई के उपयोग से भ्रष्टाचार जोखिमपूर्ण हुआ है लेकिन कम नहीं हुआ है। यानी तो होते होते भी 70 साल बीत गए, तो मुझे लगता है खत्म होने में धीरे धीरे खत्म होगा, क्षण क्षण एकदम तो नहीं हो सकता। मैं इस बारे में अपने शास्त्रों की उस वाक्य को मैं ज़्यादा गंभीरता से लेता हूँ कि यह भ्रष्टाचार उस तरह का है जिस तरह जल में मछली पानी कितना पी लेती है, ये किसी को नहीं पता चलता। तो निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार एक ऐसा शहद है जिसको कि जीभ में जो भी व्यक्ति नहीं रखता तो निश्चित तौर पे वो एक अलग विचार व्यक्त करता है, लेकिन जैसे ही शहद जीभ में पड़ता है तो उसकी तारीफ ही करता है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ा जटिल विषय है, इसको हम लोग न्यूनतम और जोखिमपूर्ण करने की कोशिश में ज़्यादा रुचि, ख़त्म होना तो मुझे लगता है कि शायद। अजय, इंग्लिश में एमए किया आपने? जी जी। और अंग्रेजी साहित्य भी तमाम सारा आपने पढ़ा, तो उस दौरान पढ़ते पढ़ते ये लगता था कि घंटों हम खड़े रहेंगे एक सूचना के लिए और लड़ते रहेंगे, कभी कपड़े पहनने का होश नहीं होगा, कभी खाने का होश नहीं होगा। मैंने आपको देखा है कई बार कि कई कई दिन तक आप इसी तरह घूमते रहते थे एक सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए। निश्चित तौर पर जानकारी जुटाने का जो जुनून था वो उस समय की शैक्षणिक जो योग्यता थी उससे थोड़ा सा दूर था, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक पैशन था। यानी एक लोकतंत्र में जो हम सीखते थे कि वोट देते हैं, लेकिन हमने आरटीआई से ये पाया कि हम जानकारी भी लेते हैं। तो वोट दे के सरकार बनाना और आरटीआई से जानकारी लेना, इसका जब शौक लगा तो सरकारी कार्यालयों में घंटों खड़े रहना, जवाब लेना, लड़ाई झगड़ा, और फिर उसके बाद सूचना आयोग में लंबी पैरवी करना। गलत जानकारी देते हैं, मैंने देखा कई बार झूठी जानकारी देते हैं, जानकारी देते ही नहीं है। यही तीन अवस्था है, जानकारी ना देना, झूठी देना, और जो भी जानकारी
आप देन मतलब जानकारी से वंचित करना, झूठी देना, अधूरी देना, तो ये निश्चित तौर पर ये उन लोग के ऐसा दौर लगा कि सरकारी कार्यालय ने आरटीआई को मजबूत करने की ट्रेनिंग के बजाय आरटीआई की जानकारी ना देने की ट्रेनिंग ले ली है। सरकारी महकमे ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को अपनी मानसिकता लेके रखते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट को एक बाधा उत्पन्न दुश्मन दोषी यानी समाज पे एक कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये क्यों जानकारी ले रहा है। लेकिन और कई तरह के जो ये देखा है मैंने, सामान्य एक टेंडेंसी है कि अगर कोई आरटीआई में जानकारी लेने चाह आ रहा है तो कहते हैं तो ब्लैक मिलर है, ये बदमाश आदमी है। हाँ, वो आपको सबसे बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। निश्चित तौर पर दरअसल दिक्कत इस बात की कि आरटीआई का जो एक्ट है उसमें एक आह्वान किया हुआ है कि पहला कानून है भारत में जो एक आम नागरिक को कहता है, उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ इस एक्ट का उपयोग करिए, ये पहला कानून है। अब यही जो आरटीआई एक्ट है यह भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहा है, सजा दिलवा रहा है, कोर्ट में कहा गया है कि आप आरटीआई उपयोग करके जानकारी जुटाओ, देन कोर्ट में आप याचिका दायर करो। तो निश्चित तौर पर जब उजाला प्रकाश आरटीआई का जब किसी अंधेरे को और भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो जो विषाणु तत्व हैं, जो आसुरी ताकत हैं, उनको एक्ट दुश्मन लगता है और वो ब्लैकमेलर की संज्ञा देते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आज तक कहीं भी मध्य प्रदेश में हमने ये नहीं देखा कि कोई ईमानदार व्यक्ति ब्लैकमेल हुआ हो। दूसरा, यदि कोई भ्रष्ट ब्लैकमेल भी होता है तो निश्चित तौर पर वो अपने कर्मों से होता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं होता, लेकिन जब उसने भ्रष्टाचार किया है, जब उसने कोई ब्लैक किया है तभी वो मेल होता है। तो भ्रष्टाचार और ब्लैक कारोबार करने वाले निश्चित तौर पर भयभीत है, ये भय अच्छा लगता है। लेकिन आरटीआई एक्ट में अधिकतर प्रकरणों में हमने कहीं किसी प्रकार भी दुरुपयोग नहीं देखा, क्योंकि जो जानकारी उजागर होती है वो तो कार्यालय बनाता है, नागरिक तो केवल प्राप्त करता है। जबकि सामान्य तौर पर बेसिक आप गोपनीय दस्तावेज कह के हम 70 सालों से कागज संभालते रहे, जो कुछ भी जनता के लिए हो रहा है, देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, वो तो पब्लिक डोमेन में आना ही चाहिए, ओपन होना चाहिए, उसमें छुपाना क्यों? देखिए गीता में एक जगह उपदेश, देखिए पारदर्शिता भारतीय व्यवस्था में शुरू से है, गीता में कहा गया है कि राजा जो कार्य करता है ये जनता को पता होना चाहिए, राजा ने जो कार्य नहीं किया ये भी उसको पता होना चाहिए। तो हमारा कहना है कि पारदर्शिता लोकतंत्र की आत्मा है, उसकी बैसाखी है। यदि कोई सरकार बना रहा है, कोई जनता टैक्स दे रही है, तो उसको जानने का हक है सरकार क्या कर रही है। घमंड और अहंकार सरकार और सरकार के लोगों का जो है वो ये है कि एक आम नागरिक सीधे कार्यालय में आता है और प्रश्न करता है, कागज लगाता है और सवाल पूछता है। प्रश्न देखिए लोकतंत्र प्रश्न करने पर ही स्वस्थ रहता है। यदि आज की रेट में हम ये माने कि यदि हम प्रश्न ना करें तो ये निश्चित तौर पर हमें देखना होगा पड़ेगा। 2005 में बहुत बड़ी एक आरटीआई का जब कानून बना तो वाकई जीत थी। इसके पहले लोकसभा विधानसभाओं में और छोटे सदनों में ग्राम पंचायत वहाँ सवाल लगा के लोग जानकारियाँ इकट्ठी करते थे। पहली बार एक एहसास कराया कि एक आम आदमी एक कागज़ पे सवाल लिख के ले जाता है और जवाब मांगता है। मैं तो इससे मानता हूँ कि जो लोकसभा एक्ट में भी एक लाइन लिखी है कि हर आरटीआई एप्लीकेशन का जो आवेदक है उसको वही जानकारी मिलेगी जो विधानसभा और संसद को दी जाती है। तो निश्चित तौर पर ये आम नागरिक को एक सम्मानजनक भागीदारी लोकतंत्र में फिक्स करता है, उसका एक गरिमामय रिश्ता तय कर दिया है। दूसरा, लोकतंत्र में विधानसभा में और लोकसभा के जो प्रश्न है उससे ज़्यादा मजबूत आरटीआई है, क्योंकि आरटीआई में आपको 30 दिन में जानकारी देना पाबंद है, यदि नहीं दिया तो दंड मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आम नागरिक यदि गंभीरता से, और मैं आरटीआई के बारे में दो शब्द कहता हूँ कि यूज़ ऑफ आरटीआई, यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी आपने आरटीआई लगाया है, एक्ट का उपयोग किया है, बहुत अच्छा, उससे बेहतर होगा कि जानकारी का उपयोग भी करें और आप लोकायुक्त ईओडब्ल्यू या कोर्ट जाएं, सीबीआई जाएं, सीबीसी जाएं, मीडिया को दें। हम लोग तो जो आरटीआई का उपयोग करते हैं, हमने सोशल मीडिया और मीडिया को भरपूर जानकारी उपलब्ध कराई है और उससे प्रकटन भी होता है कि व्यवस्था में कहाँ क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आरटीआई की जानकारी का उपयोग करना भी एक इस एक्ट को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है। अजय, ये देखेंगे 5 से लेके अभी तक हम 15 साल पूरे करने वाले हैं, 15 साल में कहीं अफसरों की, लोगों की, कर्मचारियों की मानसिकता में अंतर आया? देखिए अंतर मैं वही आपसे पूर्व में कहा कि देखिए पहली चीज़ तो यही कि सरकार कहती है कि आरटीआई एक्ट को मजबूत करने के लिए, उसके क्रियान्वयन को बेहतर करने के लिए अधिकारी कर्मचारी ट्रेंड हो। हुआ ये कि अधिकारी कर्मचारी उल्टा समझ गए, उन्होंने जानकारी न देने के लिए ट्रेनिंग ले ली और हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं। आरटीआई एक्ट अभी बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि आप यदि राजनीतिक दल में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब विपक्ष में रहते हैं तो आरटीआई पसंद आता है, जैसी सत्ता में आते हैं तो आरटीआई से नफरत हो जाती है।
तो हो ये रहा है कि आरटीआई को कुचलने की, कमजोर करने की साजिशें केंद्र राज्य हर सत्ताधारी पार्टी करती है। दूसरी बात, जो अधिकारियों की मानसिकता है तो वो ये मानते हैं कि आरटीआई एक्ट हमारी गतिविधियों को बाधित करता है, परेशान करता है, तो इसलिए वो जानकारी ना देने का तरीका करता है। और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार सूचना आयोग का, सूचना आयोग की नियुक्ति में अक्षम, अपात्र और राजनीतिक सिफारिश पर बैठे हुए लोगों की अयोग्यता ने सूचना के अधिकार को घायल कर दिया है। आज सूचना आयोग में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जब आप सूचना की नियुक्ति करें तो उसकी पात्रता का विवरण वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दें कि कौन सूचना आयुक्त बन रहा है, उसकी क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, उसको सार्वजनिक करें। आपको मैंने देखा कि सूचना आयुक्त बनना हो तो आप सरकार के तलवे चाटिए, आप सूचना आयुक्त बन जाते हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में हमने सरकार को चेतावनी दी कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हमारी याचिका हाई कोर्ट में थी, विज्ञापन से हमने जारी करवाया, लेकिन हमने ये पाया है कि राजनेता सूचना आयोग को अपने पैर की जूती बनाते हैं और जो उनके इशारे पर नाचे उसको सूचना आयुक्त बनाते हैं। ये दुर्भाग्य, और निश्चित तौर पर हम अपने कोर्ट में हम इसको लड़ भी रहे हैं, क्योंकि ये किसी नेता या किसी मध्य विशेष प्रदेश के संदर्भ में भी हम इसको मान सकते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश सूचना आयोग को अक्षम कर दिया है। मध्य प्रदेश सूचना आयोग आज सबसे दुर्भाग्य है, 14 साल इस एक्ट को हो गए, 2005 से अभी तक उसकी वेबसाइट नहीं है। आवेदक को ये नहीं पता कि आयोग की वेबसाइट में उसका प्रकरण कब सुनवाई के लिए निर्धारित है, उसका आदेश कहाँ है, कुछ नहीं है। यदि झाबुआ रीवा का व्यक्ति यहाँ पे आके घूमता रहता है तो निश्चित तौर पर आईटी की एज में यदि वेबसाइट नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूचना कहाँ जा रहा है। और इसके आदेशों को देश में कहीं भी महत्वपूर्ण फोरम पे जगह नहीं मिलती है, क्योंकि ये एक्ट के मुताबिक ना तो काम कर रहे हैं और जो अपने इनके राजनीतिक काका हैं उसके इशारों पर ये फैसला करते हैं। इसमें सामान्य तौर पर एक बैठक होती है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, तमाम सारी वो जो भी इनका कोरम बनना होता है, क्या वो पूर्ण करके होती हैं नियुक्तियाँ, वैसी कर दी जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष और मंत्री होते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि मध्य प्रदेश में तो ये जो 3 लोगों ने बैठक करी थी हाल में और पहले की भाजपा सरकार ने, उसने गुलामों को पसंद करने के लिए बैठक करी है। उन्होंने कभी भी सुप्रीम कोर्ट आदेश के तहत, अभी राज्य सरकार ने फरवरी में नियुक्ति करी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब आप आवेदन आमंत्रित करेंगे तो उन आवेदनों को आप सर्च कमेटी के तरी निर्माण करके छटवाएंगे और सर्च कमेटी की फाइंडिंग को ऑनलाइन करेंगे, जनता से फीडबैक लेंगे, देन वो मुख्यमंत्री की चयन समिति के पास जाएगा और नियुक्ति होगी और गवर्नर को योग्यता बताएंगे और वेबसाइट पर डालेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि चयन समिति ने केवल एक दिन में आवेदन पत्रों को देख लिया, 105 आवेदन पत्रों को मुश्किल से 10 मिनट में देखा और नियुक्ति कर दी। ना तो आवेदकों की कोई योग्यता वेबसाइट पर ऑनलाइन करी, ना सर्च कमेटी बनाई गई, ना फाइंडिंग बनाई गई, कुछ नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करी है। आयोग ही सवालों के घेरे में है तो बाकी तो फिर उम्मीद किससे करें? देखिए, राजनीतिक हुक्मरान जिनों को अपनी बड़ी ठसक थी कि हमारे इशारे पे संवैधानिक संस्थाएं और वैधानिक संस्थाएं चलेंगी, उनकी ये बदनीयती का असर है और उनका कानून में उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करके मध्य प्रदेश सूचना आयोग को ठप कर दिया गया है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम कोर्ट में विजय भी होंगे। अजय दुबे बता रहे थे कि आयोग को लेकर अब लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही हैं ताकि निष्पक्षता साफ गोई जो है बनी रहे। बीच बीच में राजनीति का चर्चा और राजनीति का तड़का भी इस बातचीत में आ रहा है, तो अब राजनीति पर सीधी बात करेंगे अजय दुबे से, लेकिन फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद विभाग बात में आपका स्वागत है। मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट अजय शंकर दुबे स्टूडियो में मौजूद हैं। अजय, बीच में आप कांग्रेस में चले गए थे। मैं एक दुर्भाग्यपूर्ण पल मानता हूं कि जब मैं कांग्रेस से जुड़ा और कांग्रेस को एक विपक्ष दल के तौर पे मैंने समझा 2018 में, और मैंने ये पाया कि कुछ अच्छे लोग उस कांग्रेस में हैं
और विपक्ष के तौर पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ परिवर्तन करना चाहते हैं, और मैं ये चाहता था कि राजनीति तथ्यात्मक को विरोध तर्क के साथ हो। तो आरटीआई से जो प्राप्त की गई जानकारियों के तौर पर आरोप पत्र बनाना और विपक्ष के तौर पर जिम्मेदार और सार्थक बातें करना, सबूत तो प्रमाण के साथ राजनीति करना, ये कोशिश करी थी। 1 साल का समय रहा, विपक्ष में जो कांग्रेस सुशासन बदलाव परिवर्तन की बात करती थी और अनियमितताओं को समाप्त करके और मध्य प्रदेश में एक पारदर्शी सरकार की बात करती थी, वो जैसी सरकार में आई वो यू टर्न ले गई। आज मैंने जल्दी मोह भंग हो गया आपका, मेरा मोह जल्दी भंग हुआ और मैंने मुख्यमंत्री की रुचि देखी कि उनको आरटीआई और जो जनहित के मुद्दे जो वो विपक्ष में रहते हुए उठाते थे उनसे उनको कोई सरोकार नहीं है, और उनकी जो रुचि है वो हर उस सरकार की तरह से है जो केवल और केवल लोगों के निजी हितों की तरफ प्राथमिकता के साथ काम करती है। इसलिए मैंने अपने आप को दूर कर लिया और आज मुझे खुशी है कि मैंने जिस वक्त दूर किया फरवरी में, उसके बाद से आज तक जनता की नज़रों में भी, लोकसभा में भी वो सही फिट नहीं हुआ और जनता की नज़रों से भी गिरे हैं। आप तो कमलनाथ जी के काफ़ी करीब थे। वो एक दुर्घटना थी, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण पल था कि एक भारत के बड़े राजनेता को मैंने ये माना कि वो मध्य प्रदेश में परिवर्तन करेंगे, लेकिन अफसोस है कि वो इसमें सही साबित नहीं हुए। मुझे याद है कि अजय के फेसबुक अकाउंट पे तमाम सारे मित्रों ने लिखा था कि आप गलत जा रहे हैं, आप गलत फैसला कर रहे हैं, आपके तमाम सारे शुभचिंतकों ने आपको सलाह दी थी और आप नहीं माने थे। सबने कहा था कि आप राजनीति में मत जाइए, आप गलत लोगों में जा रहे हैं। मैं निश्चित तौर पे आज उन सारी बातों को याद करता हूँ तो ये लगता है कि वो मैंने गलती करी थी और बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैंने अपने मित्रों शुभचिंतकों की दुआ से अपनी धारदार तरीके से जो इस सरकार के ऊपर जो मैं मानता हूँ कि प्रहार करना था वो मैंने निर्भीकता से किया और ये सरकार को अभी कई बार कटघरे अजय अजय की और मुझ जैसे लोगों की, हमारे बीच में अगर कोई सेतु है तो यही है कि जहाँ भी व्यवस्था के नाम पे अव्यवस्था पैदा होती है हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, यही हमारी मित्रता है, यही हम लोगों का काम होता है। अजय, राजनीति में जब गए तो क्या कुछ प्रलोभन भी देते हैं राजनीतिक दल? देखिए, राजनीतिक दल जो कांग्रेस 15 साल से हार रही थी तो उसके पास प्रलोभन के लिए कुछ था नहीं। निश्चित तौर पर वो ये कहते थे, प्रलोभन जनहित के देते थे और वो जनहित के हम चाहते भी थे। जिस तरह से लोकायुक्त संस्था को बेहतर करना, लोकायुक्त कायाकल्प करना, सूचना आयोग को ईमानदार और सुयोग्य लोगों से भरना और कई प्रकार के जैसे PSC है, कई संस्थाओं को नियम कानून की पटरी पर लाना जो 15 साल से बर्बाद थी, तो इस तरह के जनहित की बेहतरी के लिए वो लोग कहते थे। लेकिन अफसोस ये है कि इन्होंने ऐसा काम किया कि इन्होंने जो भ्रष्ट व्यवस्था 15 साल थी उस भ्रष्ट व्यवस्था को केवल एक संदेश दिया कि तुम जो भी करो पहले जिनके लिए करते थे अब वो काम हमारे लिए करो। तो हमारा ये कहना था कि जब इन्होंने सरकारी संसाधनों का दोहन जारी रखा, नाम केवल बदल गया कि पूर्व में कोई और आका बदल गए, हाँ, काम आका बदल गया, काम वही रहे, तो अब हम ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर ये धोखा हुआ और इस तरह की धोखाधड़ी जनता के साथ जो हुई है, मैं नहीं मानता कि ऐसी सरकार लंबे समय तक टिक पाएगी। कमलनाथ जी के बारे में क्या रहा है, कम शब्दों में पूछूं तो क्या कैसे व्यक्ति? कमलनाथ जी देश के निर्विवाद तौर पर बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका ग्लोबल इमेज है, सब अच्छी इमेज है, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्षेत्रीय राजनीति में असफल रहे। मध्य प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री बने लगातार मैं मान रहा हूँ अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, किसान ऋण माफी योजना RTI के मुताबिक बता रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, किसान ऋण मुक्ति का मामला है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस RTI लगी, हम RTI में कमलनाथ सरकार से पूछते हैं कि कितने लोगों का आप किसानों को ऋण मुक्ति से माफी दी है, सरकार आंकड़े नहीं बता पा रही है। हम ये पूछते हैं कि आपकी विदेश यात्रा से क्या उपलब्धता हुई है, स्विट्जरलैंड में 4 दिन में 1 करोड़ 60 लाख खर्च कर दिए, तो हमारा मानना है ये गरीबों के पैसे का निश्चित तौर पर डूबा हुआ जो प्रदेश कर्ज में है उसके लिए ये 4 दिन में 1 करोड़ 60 लाख बंगलों का रंगरोगन हो रहा है, करोड़ों खर्च हो रहा है, जा रहा है, हमारा इसकी आवश्यकता है क्या? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पर ये पैसा बर्बाद हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि कमलनाथ जी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे लेकिन मध्य प्रदेश के स्तर के नेता पर वो असफल साबित हुए। मुख्यमंत्री पद पर बैठने के बाद प्रदेश में जो खजाना खत्म हुआ था, जिसको ये कहते थे कि हम व्हाइट पेपर लाएंगे भाजपा के खिलाफ, नहीं कर पाए, जन आयोग लाएंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच के लिए, नहीं बना पाए, PSC में परिवर्तन करेंगे, नहीं बना पाए, सूचना आयोग में उन्होंने अपात्र लोगों को बैठा दिया, लोकायुक्त पुलिस में परिवर्तन नहीं हुआ, लोकायुक्त संगठन में नहीं हुआ, UOW में नहीं हुआ, तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के मामले, हम बीच में भूल रहे हैं, बड़ा भारी मसला था व्यापम, व्यापम मुद्दा मेरे ख्याल से
एक दुधारू मुद्दा था, और केवल कमलनाथ जी, कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने केवल उससे अपने निजी हितों को, स्वार्थ को पूरा किया कपिल है। सिब्बल जी से अगर मैं शुरू करूं तो कपिल सिब्बल साहब हुए, दिग्विजय सिंह हुए, कमलनाथ जी हुए, ज्योतिरादित्य सिंधे हुए, कोई ऐसा नेता नहीं था, कोई ऐसा नेता नहीं था दिल्ली से लेके, राहुल गांधी से लेके यहाँ तक, कि जिसने व्यापम के मसले को ना उठाया। देखिए सब ने उठाया, लेकिन सरकार बनती सबकी नीयत बदल गई। दिक्कत इस बात की कि राहुल गांधी ने तो अभी भी कुछ दिन पहले कहा था व्यापम की जाँच हो। देखिए व्यापम घोटाले में एक बहुत गंभीर बात है कि जो इसमें पकड़ा है वो अपराधी जिन्होंने पैसे दे के परीक्षा पास करी, या परीक्षा की दो व्यापम घोटाले दो तरीके से हुआ, एक नौकरी लगाई गलत तरीके से पैसे दे के, और एक एडमिशन लिया प्रोफेशनल कोर्सेज में डॉक्टर बने। बाकी आप ये यकीन मानेंगे कि कल तक कांग्रेस ये कहती थी कि मास्टरमाइंड पकड़ो, इन बच्चों को क्यों पकड़ा, इन बेरोजगारों को पकड़ो। आज वही कांग्रेस ये नहीं बता पा रही कि जब वो सत्ता में आ गई तो मास्टरमाइंड कौन है। आज की रेट में जो कल तक शिवराज कहती थी शिवराज जी को, आज की रेट में वो उनके घर जाके चाय पीती है। तो या तो शिवराज जी सही है, पहले उन पर झूठे आरोप लगाए थे, या तो शिवराज जी गलत है, तो फिर उनकी चाय का असर हो गया। उन्होंने ऐसी कौन सी टॉनिक दे दी है कि ये सब जितने ईमानदार थे अचानक बेईमान की कैटेगरी में आ गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन्होंने भाजपा के साथ समर्पण किया है, समझौता किया है, और ये डर गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की राजनीति को 6 महीने में यदि मैंने आकलन किया है तो ये एक ऐसा चरित्र लिखता है जो कायर है, जो कड़े निर्णय नहीं ले पा रहा। पीएससी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, ओपन स्कूल घोटाला हुआ, संस्कृत बोर्ड घोटाला हुआ, एक से एक घोटालों की लिस्ट है। लेकिन आप ये ई टेंडर घोटाला हुआ, लेकिन आप 17 दिसंबर 2018 को जो मुख्यमंत्री बना, आज यदि आप 17 जून 2019 तक पूछें तो एक छोटा सा आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। ई टेंडर घोटाले में जो अरबों का घोटाला है उसमें उन्होंने एक प्राइवेट फर्म के 2-4 एम्प्लॉयज पकड़ लिए, एक छोटा सा अधिकारी पकड़ लिया। समझ में नहीं आता कि अरबों का घोटाला, क्या ये प्राइवेट कंपनी के 2-4 एम्प्लॉय कर रहे थे? क्या विभाग प्रमुख जो टेंडर के रेट देखता है, जो प्रमुख सचिव होता है, जो विभाग अध्यक्ष होता है, जो हजारों करोड़ की कंपनी होती है, क्या ये सबको पता नहीं था कि उनके फायदे के लिए कोई काम कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि फायदा भी ले लिया और उनका जो माध्यम था वो भी नहीं है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी जो संख्या विधानसभा में कम है, या इनके जो भी निजी हित थे, इन्होंने जो आरोप पत्र बनाया था उसको नर्मदा नदी में ले आके विसर्जित कर दिया, और भ्रष्टाचार पे अभी ये लोग बात भी नहीं करते। अच्छा, तमाम सारी चीज़ें थी, तमाम सारे मसले थे, आप आईटीआई लगाते रहते हैं लगातार, तबादलों को लेकर कोई आरटीआई लगाई क्या? मैंने तबादलों को लेकर आरटीआई लगाई है, और निश्चित तौर पे जो जवाब भी आया, जैसे प्रदेश के लोग तबादलों को लेकर व्यथित हैं, कमलनाथ जी को कोई तबादला ना कहता है, कोई कुछ कहता है, तो सच्चाई है कि इतने तबादले? देखिए मध्य प्रदेश में तबादला हुआ, लेकिन हमारा ये उसमें आरोप है कि तबादला करना ठीक है, सरकार का निर्णय, लेकिन तबादले रीजनेबल होने चाहिए, उनका कारण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईएएसओं के तबादले में मिनिमम टेन्योर 2 साल फिक्स किया, उसने कहा एक सिविल सर्विस बोर्ड बनाओ, उस बोर्ड में यदि कोई आप 2 साल से कम में ट्रांसफर करते हो आईएएस का कारण लिखो। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले 6 महीने में 350 आईएएसओं के तबादले हुए, लेकिन उन 90% तबादले 2 साल से कम के हैं। कोई अधिकारी यदि टिका हुआ है तो 6 साल से टिका हुआ है, लेकिन उसको आप नहीं हटा रहे। आज की रेट में सरकार से जब ये पूछते हैं कि राजनेताओं के सिफारिशी पत्र बताइए तबादले के लिए कितने आई है, कलेक्टर के लिए, एसपी के लिए, सबके लिए, सरकार गोपनीयता कह रही है, सरकार अपने सलाहकारों की योग्यता नहीं बताती है, सरकार जो नियुक्ति प्रक्रिया कर रही है अशासकीय लोगों के उनके बारे में नहीं बताती। जो कांग्रेस आरटीए एक्ट ला के पारदर्शिता की बात करती थी, आज वो तबादलों के निर्णयों को उजागर करने से घबरा रही है, उसको गोपनीय कह के जानकारी को नकार रही है। तबादले के बाद एक मसला और है, बिजली का, उस पर भी आपने बहुत आरटीआई लगाई, बहुत आंदोलन किए कि बिजली के दाम सीमित होना चाहिए, प्रदेश को सस्ती बिजली मिलना चाहिए। अभी तो हालत ये है कि बिजली मिल नहीं पा रही है। देखिए कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने पर एक हास्यपद पहलू उभर के आया कि बिजली की उपलब्धता को कहते हैं कि बहुत है, लेकिन सरप्लस है, हाँ सरप्लस है, लेकिन वो भाजपा के सरकार के समय घटिया उपकरण खरीदे गए, और दूसरा चमगादड़ आ गए, और तीसरा आउटसोर्स के एम्प्लॉयज जो है वो बिजली सप्लाई में बैठ गए, कबूतर भी बैठ गए, हाँ कबूतर बैठ गए। अब कमलनाथ जी जो बिजली के स्पेशल जानकार हैं, उनकी बिजली में हमेशा रुचि रही है, अब कमलनाथ जी ये नहीं बता पा रहे जनता को कि उनका जो अपर मुख्य सचिव बिजली है इस समय आईपीसी केसरी, वही तो भाजपा के समय भी बिजली विभाग का प्रमुख था,
आज की रेट में वो यदि इस पद पे 3 साल से बैठा हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते? भाजपा को आरोप देते हैं, लेकिन भाजपा कोई दीनदयाल भवन से तो बिजली खरीदी नहीं कर रही थी। बिजली खरीदी, बिजली के जितने उपकरण सब जो व्यक्ति कर रहा था वो आपका भी खास है। कमलनाथ जी ने उसको तो अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी है। ऊर्जा सचिव मध्य प्रदेश का 7 दिन में, अधिकतर दिन वो वहाँ दिल्ली में रहता है, वो कमिश्नर है, मध्य प्रदेश शासन का रेसिडेंट कमिश्नर है, मध्य प्रदेश भवन का निर्माण करवा रहा है। तो दिल्ली में भी वो रहता है, भोपाल में भी रहता है, और दुनिया को कह रहे हैं बिजली नहीं है। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी शायद भ्रमित हैं, या निश्चित तौर पर जनता को सोचने की बहुत भोली है जो नहीं जानती है। आरटीआई को लेकर आपने कमलनाथ जी के साथ काम किया, आरटीआई को लेकर आपका विवाद हुआ है कुछ मसलों पर, आपने कांग्रेस छोड़ दिया, थोड़ा गलती हुई थी। शिवराज जी के पास भी आपका आना जाना रहा है, आरटीआई को लेकर आप उनकी भी उनको भी नहीं छोड़ते थे। इन दोनों मुख्यमंत्रियों में क्या अंतर लगता है आपको? देखिए, दोनों मुख्यमंत्री में दोनों आरटीआई को नापसंद करते हैं, ये तो उनमें एक सत्ताधारी वायरस ये है। तो सहज मुख्यमंत्री है तो कौन मुख्यमंत्री करते चाहेगा? लेकिन जो शिवराज जी के समर्थन में एक बात ये आती है कि शिवराज जी जो हैं वो धूप में भी निकल जाते थे, वो मोबिलाइजेशन, वो दौरा खूब करते थे, मेहनत खूब करते थे, युवा मुख्यमंत्री थे। कमलनाथ जी निश्चित तौर पे एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री हैं, धूप में वो कम पाए जाते हैं। तो कमलनाथ जी एलीट क्लास के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लोगों से उनकी मेल मुलाकात संभव होती है। शिवराज जो थे निश्चित तौर पर मैदानी धरातल एक योद्धा था। हाँ, वो उनपे आप आरोप लगा सकते हो क्योंकि 13 साल सरकार चलाई तो उन्होंने गलत निर्णय तो लिए, भ्रष्टाचार तो हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो जनता के बीच में उपलब्ध रहते थे। और उनकी दो एक अच्छाई थी कि महिला वर्ग और बच्चों में वो विशेष तौर पर लोकप्रिय थे, उनका निर्विवाद तौर पर व्यक्तित्व तो महिलाओं और बच्चों में था। ये सब चीज़ें शायद मेरे को ऐसा लगता है इनमें नहीं है। आप लगातार सुन रहे थे अजय शंकर दुबे को, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और बड़ी बेबाकी से वो हमारे सवालों का जवाब भी दे रहे थे और मध्य प्रदेश के जो ताज़ा हालात हैं वो बताने की कोशिश कर रहे थे। अजय, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, और आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।